जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अदर न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस के सेशन में। 1 और 2 जुलाई का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। द हिंदू पर स्पेशल फोकस रहेगा, बाकी न्यूज़पेपर्स के भी करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू सी इट। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट मी नो इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडे सेशन। IAS नॉलेज मंत्र की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू सी द इंपॉर्टेंट न्यूज विच हैज कम अप अलॉन्ग विद वाई द न्यूज इज इंपॉर्टेंट। तो बता दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आवाज आ रही है? क्या हम लोग आगे बढ़ जाएं? मुझे बता दीजिए। तो चलिए बढ़ चलते हैं। दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट 3 years इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है, 4 अटेम्प्ट एंड 4 मेन्स में। आई हैव ऑल्सो worked as assistant commissioner of sales taxes for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel description box में दिया है, उसे follow कीजिए। और मैं बता दूं, हमारी coaching academy पुणे में based IAS toppers month ने launch किए various offline कम online courses। आप लोगों को पता ही है students, सक्षम mentorship learning, dynamic areas का पूरा mains answer writing and prelims test series include करके ये फोकस में प्रोग्राम, लक्ष्य फोकस मॉड्यूल 1 ईयर कोर्स, पाठशाला मॉड्यूल 2 ईयर कोर्स, स्टैटिक कम डायनामिक प्लस फाउंडेशन बैच। तो ये सारे कोर्सेज प्रारंभ.लाइव मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉन्च हो गए हैं। लक्ष्य फोकस मॉड्यूल एंड सक्षम हैव कम अप फॉर रजिस्ट्रेशन, यू कैन गो एंड रजिस्टर देयर। एंड प्रारंभ.लाइव का मैं मोबाइल ऐप का लिंक, और जो लोग मोबाइल ऐप नहीं चाहते हैं डाउनलोड करना, वेब पेज पे भी देख सकते हैं। लॉग इन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इस पन्ने पे देख सकते हैं क्लासेस। लेट मी टेल यू, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल ऐप, एवरीवेयर। तो दिस यस, लेट मी नो इफ नाउ द वॉइस इज ओके, टेल मी द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, अभी क्या आवाज ठीक है या नहीं। तो इसमें आपको कंप्लीट PDF मिलेगा स्टूडेंट्स, नोट्स मिलेंगे एंड डाउनलोड कर सकते हैं आप नोट्स। क्लासेस 2 साल तक वैलिड रहेगा, 1 और 2 ईयर्स का, मींस 1 एक्स्ट्रा ईयर मिल रहा है आपको स्टूडेंट्स। और सक्षम मेंटरशिप कोर्स डायनामिक एरियाज का क्लास 1 साल तक अवेलेबल रहेगा ऐप के ऊपर, आप वॉच कर सकते हैं एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल द रिकॉर्डेड सेशंस। कोई भी क्वेरी होगा ये मोबाइल नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 7038899438, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके अलावा 9988873548, 9988873548, ये टेक्निकल टीम इस नंबर को हैंडल करेगी, 58 वाले नंबर को आप देख लीजिएगा। सो फ्रॉम टुमारो दिस नंबर विल बी विद द टेक्निकल टीम, दिस नंबर विल बी विद द इंक्वायरी, एंड दिस विल बी विद मी। चलिए पढ़ा जाए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 1 और 2 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर निकाल लीजिए, एटलस निकाल लीजिए। तो 3-4 कलर के पेन, एटलस, कॉपी, और खुद को भी निकाल कर चेयर पे बैठा लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। लेट्स बिगिन द डे स्टूडेंट्स। सो विल स्टार्ट ऑफ विद साइंस एंड टेक पोर्शन। में बता दूं, संडे को साइंस एंड टेक का स्पेशल फोकस रहता है द हिंदू न्यूज़पेपर में, और बीच के पन्ने पर साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज आए हैं आज भी, आइए देखा जाए। पहला न्यूज ये जून 1920 को भी आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स, देखिए जून 1920 का जो करंट अफेयर्स था उस दिन भी मैंने पढ़ाया था। इज द वॉइस ओके नाउ, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट वाज द न्यूज। क्वेश्चन कॉर्नर में द हिंदू में बीच के पन्ने पर ये आया हुआ है, की डिस्कवरी, हैज द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन आवर सोलर सिस्टम शोन एनी प्रॉमिस, क्योंकि एक मून है सैटर्न का, एनसेलाडस, देखिए उसी दिन का, देखिए मैंने न्यूज अटैच किया, सेम न्यूज इज देयर, एनसेलाडस, उस दिन ये न्यूज आया था द इंडियन एक्सप्रेस में, ये देखिए
और आज आया है द हिंदू में. क्या बात है, सेम न्यूज दो जगह पर देखिए. वॉइस ग्लिच कर रहा है क्या, मुझे बताइए. अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है. दो मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, लेट मी सी. टू मिनट्स, लेट मी सी. सो दो मिनट देख लेने दीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो एक बार चेक कर लिया जाएगा. भाई आप लोगों तक ठीक से जाना चाहिए सब कुछ. टू मिनट्स रुक जाइए, लेट मी सी एंड देन. Just hold on for 1 to 2 minutes. I will be with the technical team. This one will be with the inquiry, and this will be with me. चलिए पढ़ा जा students. आगे देखते हैं आज current affairs में एक और. Okay, okay. Current affairs क्या क्या important है? So now let me know students. अब बता दीजिए क्या आवाज ठीक है या नहीं. So now let me know students. अभी ठीक है आवाज. Yes, good evening everyone. Good evening students. आप बता दीजिए क्या आवाज ठीक है या नहीं. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वेदर द वॉइस इज ओके नाउ. कुछ वायर में दिक्कत थी शायद. अभी ठीक है आवाज. यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. तो चलिए बढ़ते हैं. ये पहला न्यूज चल रहा है 1 और 2 जुलाई का द हिंदू में. आज ये आया है न्यूज. एनसेलेडस सैटर्न का मून है, क्या डिटेक्ट किया गया है मुझे बता दीजिए. यस, लेट मी नो क्या डिटेक्ट किया गया था जून 1920 को. यू सॉ दिस न्यूज स्टूडेंट्स, ये देखिए एनसेलेडस सैटर्न्स मून फॉस्फोरस. ये देखिए देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए हैं, एमिनो एसिड्स. ये देखिए यहां लिखा हुआ है, लेट्स सी व्हाट वाज डिस्कवर्ड. फॉस्फेट्स, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स इज वाइटल फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ. इट इज नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, ये देखिए डीएनए आरएनए में रहता है कि नहीं मुझे बताइए. डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड. सेकेंड पॉइंट, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स. यस, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स में भी रहता है, नोट कीजिए इसे. एंड थर्ड, सेल मेम्ब्रेन. ये आ जाएगा प्रीलिम्स में, देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए यहां मिल रहा है. सेल मेम्ब्रेन्स का भी हिस्सा. फोर्थ, बोन एंड टीथ इन पीपल एंड एनिमल्स. बोन्स एंड टीथ, यस. एंड इवन द सीज माइक्रोबायोम ऑफ प्लैंकटन्स. ये देखिए प्लैंकटन्स में भी पाए जाते हैं.
ये फॉस्फेट कहां कहां पाया जाता है लिविंग लाइफ में, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नोट कर लीजिए. सो इज दिस क्लियर? द फर्स्ट न्यूज, एनसेलाडस, सैटर्न्स मून, फॉस्फेट डिस्कवर्ड. फॉस्फेट इज अ फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, नेसेसरी इन दीज फाइव थिंग्स. एंड इन शॉर्ट, एनसेलाडस माइट हैव सम प्रेजेंस ऑफ लाइफ, या वहां पर कुछ ना कुछ. देखिए, हम लोग जीवन ढूंढने की असफल कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी के बाहर, और यहां जीवन खत्म करने की एक सफल कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर. तो यही यहां पर देखिए पाया गया है. देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर्ड एनसेलाडस सब सर्फेस लिक्विड वाटर. कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, ये देखिए मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. बस यहां से इतना काफी है, प्रीलिम्स में आ सकता है कहां कहां फॉस्फेट पाया जाता है. स्पेस टेक के कोई क्वेश्चन में आप वैल्यू एडिशन भी कर दीजिएगा इस न्यूज का. चलिए आगे बढ़ा जाए अगले टॉपिक की तरफ. सेकेंड न्यूज साइंस एंड टेक का, कार्डियक इवेंट्स इन कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस जिसको होकर गया और जो बच गया कोरोना वायरस से, ये देखिए कोरोना वायरस कोविड 19 जिसको भी हुआ, और पहले से वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या रेस्पिरेटरी इलनेस से पीड़ित था. द पर्सन वॉज हैविंग दिस इलनेसेस फ्रॉम द पास्ट, देन द पर्सन वॉज एट हाई रिस्क ऑफ डेथ एंड कैजुअलिटी बिकॉज ऑफ कोविड 19. डू यू एग्री? टेल मी यस इन द चैट बॉक्स. नाउ कोविड 19 अगर आके चला गया, स्वस्थ आदमी है, उसके बाद भी कोविड 19 के आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिले हैं. ये देखिए स्पेशली हार्ट पर. इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, साथ में जो वैक्सीन्स बने उसका भी असर हार्ट पे दिखा है. कोविड 19 के वैक्सीन्स, यस, एडवर्स इवेंट्स ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड हार्ट हैव बीन सीन, दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द हार्ट हैव बीन सीन. और वही ये न्यूज बता रहा है, ये देखिए. सो वॉट इज दोस कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, देखिए ये देखिए हार्ट है, देखिए स्टूडेंट्स हेल्दी हार्ट. तो देखा गया है कोविड 19 के बाद, होने के बाद अगर कोई पर्सन ठीक हो गया तो 6 to 12 months के बीच में उसे और भी कुछ चीजें, और भी कुछ बीमारियां आई सामने. द फर्स्ट वॉज मायोकार्डाइटिस. ये देखिए मायोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है, ये देखिए, मसल्स ऑफ द हार्ट, कार्डियक मसल्स आर सोलेन, इन्फ्लेम्ड. आइटिस मीन्स इन्फ्लेम्ड. ये देखिए, ये देखिए नॉर्मल हेल्दी हार्ट, ये देखिए इन्फ्लेम्ड हार्ट. देख रहे हैं आप, मुझे चैट बॉक्स में यस कीजिए. इसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. ये कोविड 19 के पेशेंट्स में देखा गया. बाद में सेकेंड पॉइंट, हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ गए. ये देखिए हार्ट अटैक केसेस इंक्रीज्ड, यही लिखा हुआ है इस आर्टिकल में. ये देखिए यहां पर, यहां लिखा हुआ है मायोकार्डाइटिस, ये देखिए, और इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स, ये देखिए. सेकेंड हार्ट अटैक्स, ये देखिए. एंड थर्ड माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट. इनफैक्ट हार्ट अटैक उसी से होता है, माइक्रो सर्कुलेशन स्टॉप इनसाइड द हार्ट, यानी ब्लड फ्लो अगर फेल कर गया, ठीक है, हार्ट में, तो हार्ट फेल कर जाएगा, हार्ट अटैक उसी कहते हैं. और ये स्पेशली देखा गया एक्सरसाइज के समय. क्या बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ इधर एक्सरसाइज करते समय, मुझे बताइए चैट बॉक्स में. यस, सो दिस इज इट. ये देखिए यहां पर माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए. माइक्रो सर्कुलेशन इज द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वेसल्स, कैपिलरीज. ये देखिए, तो आपको पता होगा आर्टरीज होती हैं स्टूडेंट्स, जो हार्ट से अगर ब्लड निकालकर, मींस हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बाहर, बॉडी में जा रहा है वाया आर्टरीज. आर्टरीज ब्रेक डाउन इंटू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स ब्रेक डाउन इंटू कैपिलरीज. ये देखिए कैपिलरीज आर स्मॉल ब्लड वेसल्स, द स्मॉलेस्ट, ये देखिए स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स सप्लाइंग
blood to the various glands and organs of the body. That is it. Is it clear? Let me know. So three things impacted because of COVID-19. First was myocarditis, second increased heart attacks, and third is microcirculation stopped inside the heart. Heart fails. That's it. So this was the second news. Ise kahan likhiyega? Ise likh sakte hain. Ye to communicable disease tha. Lekin communicable disease ke karan kya non-communicable disease ho gaya kya? Mujhe bataiye. Kya lafda hai bhai yahan par COVID-19 ke karan? अभी तक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल अलग अलग पढ़ रहे थे. बीमारियां जो फैलती है, बीमारियां जो शरीर में अंदर होती हैं, यहाँ दोनों का लिंक COVID-19. फैलती हुई बीमारी ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दे के चला गया ये इंसान को. सोचिए, एग्री कर रहे हैं ना? मुझे बताइए. आइए आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक के आगे चलते हैं, एक ऐसी जगह पर जहाँ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का डिस्कशन होगा. आइए देखा जाए GS Paper 3. Intensity of extreme rainfall estimated to increase by 15%. ये देखिए क्या दिन आ गया. द हिंदू में पेज 13 साइंस के पन्ने पर आया हुआ है ये स्टूडेंट न्यूज आज का, और लिखा हुआ है साथ में कि चेन्नई का और थिरुवनंतपुरम ने रिकॉर्ड सेट किया है ऑफ सॉर्ट्स. सो त्रिवेंद्रम एंड चेन्नई हैव सेट रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट. चेन्नई में जो डे का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो पिछले बहुत साल में सबसे लोएस्ट पाया गया अभी, यानी दिन का तापमान, और त्रिवेंद्रम में वो सबसे हाईएस्ट पाया गया. ये देखिए क्या बात है, सेम लैटिट्यूड के आसपास कैसे दिन आ गए. सोचिए स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम्स ये क्या है? जब कुछ ना समझ में आए तो कह देना क्लाइमेट चेंज है. यही क्लाइमेट चेंज कह रहा है. क्लाइमेट वार्मिंग इज कॉजिंग अ डिक्रीज इन स्नोफॉल एंड इंक्रीज इन रेनफॉल एट हाई altitudes इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर. देखिए ये और भी एक न्यूज, हाई altitude, ये देखिए पहाड़ी के ऊपर बर्फ गिरती है ना. मुझे बताइए क्यों? द टेम्परेचर फॉल्स बाई समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट. हैव यू हर्ड ऑफ NLR? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर. टेल मी स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एयर प्रेशर? यस. सो एज वी गो अप द हिमालय बेल्ट्स, altitude का मतलब होता है हाइट वाइज, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस एंड स्नोफॉल इंक्रीजेस. स्नोफॉल होता है, बट अ न्यू स्टडी हैज कंफर्म्ड स्नोफॉल हैज स्टॉप्ड. स्नोफॉल रिड्यूस हो गया स्टूडेंट्स, बदले में रेनफॉल हो रहा है. क्या ये चिंता का बात है? मुझे बताइए, ये चिंता की बात है ना. यस. व्हाई? It will lead towards melting of glaciers. Melting of glaciers will bring floods in the Ganga plains, and in the long term there will be no water in Ganga plains. ये देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है इस पूरे टॉपिक का डिस्कशन. ये देखिए तो अभी क्या होगा, रेनफॉल के कारण फ्लड्स बढ़ जाएंगे गंगा प्लेन्स में. ये देखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्लेशियर मेल्टिंग. ये देखिए कंप्लीट, दैट्स इट. वैल्यू एडिशन, क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स नोट कर लीजिए. इस न्यूज से इतना ही काफी है स्टूडेंट्स. आइए आगे बढ़ा जाए. नेक्स्ट टॉपिक, India adds 664 animal species to its fauna database, 339 taxa to its flora. The Hindu, page 9, आज का. Important for prelims, ये देखिए. India added 664 animals, देखिए ये भी देखिए जानवर देखिए, ये देखिए चिड़िया देखिए. अरे bats बहुत ज़्यादा पाएगा. ये देखिए चमगादड़ the bat कह रहा है कि हमारी संख्या बढ़ती जा रही है. देखिए लेट्स सी. सो 664 एनिमल्स में 467 नए स्पीसीज एंड 197 न्यू रिकॉर्ड्स हैं.
यानी फाउंड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकी जगह पर पाए जाते थे, इंडिया पहली बार पाए गए. क्या बात है. एनिमल्स में लेट्स सी, लेट्स सी व्हाट इज रिटन आउट हियर. तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सारा काम करता है, उसका हेडक्वार्टर्स का फटाफट लिखिए आप लोग चैट बॉक्स में, ZSI का. और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है ये भी लिखिए. तो देख सकते हैं आप लोग इसमें कौन कौन से जानवर पाए गए, बहुत सारे जानवर है. अब नाम क्या याद करना है, नहीं एक चिड़िया का नाम याद करना है, येल्लो रम्प्ड फ्लाई कैचर. ये देखिए ये पहले मंगोलिया में ट्रांस बैकाल में, बैकाल लेक आपने सुना होगा ट्रांस, उस पर उसके सदन चाइना में, कोरिया में, वेस्टर्न जापान में, फाउंड लास्ट ईयर इन नारकोंडम आइलैंड, इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन नारकोंडम आइलैंड. से देखिए ये है येलो रम्प्ड फ्लाई कैचर. यूपीएससी क्वेश्चन, येलो रम्प्ड फ्लाई कैचर क्या है? इज द बर्ड, इज द बर्ड, इज इट एम्फीबियन, इज इट अ मैमल. ये देखिए यहां पर और क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी स्टूडेंट्स. सेला मैकेक, अ न्यू मैकेक स्पीसीज डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश, नेम्ड आफ्टर सेला पास. सेला पास जानते हैं आप लोग, सेला माउंटेन पास. क्या बात है. चलिए आगे बढ़ा जाए. तो ये पहला आ गया, देखिए द मैमल स्पीसीज डिस्कवर्ड इंक्लूड टू स्पीसीज ऑफ बैट्स. बैट्स आर मैमल्स, आपको ये पता रहना चाहिए, दैट्स इट. और बैट्स देखिए, बैम्बू ड्वेलिंग बैट मेघालय से पाया गया, बैम्बू में भी रहता है, ये याद कर लीजिए. आइए आगे बढ़ते हैं. प्लांट्स में देखिए, दिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू फॉरन डिस्कवरीज हैज बीन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विद 583 स्पीसीज, व्हाइल वर्टिब्रेट्स कंस्टिट्यूट 81 स्पीसीज. इंसेक्ट्स डोमिनेट अमंगस्ट द इनवर्टिब्रेट्स, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स पाए गए. ये देखिए पाए भी जाएंगे. एंड इसके अलावा अंडमान निकोबार कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट 8% ऑफ द न्यू डिस्कवरीज. ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम 7% डिस्कवरीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड 5% फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. क्या अंडमान निकोबार किसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स. टेल मी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, टेल मी यस. फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए यस. एंड मैक्सिमम स्पीसीज वर डिस्कवर्ड फ्रॉम केरल फॉलोड बाय कर्नाटक. ये देखिए इसका मतलब साफ है स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स क्या ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? यस. ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइए आगे बढ़ा जाए. प्रीलिम्स का ये टॉपिक था. प्लांट्स की भी डिस्कवरीज पाई गई है. प्लांट डिस्कवरीज में आप देख सकते हैं कुछ वेस्टर्न घाट्स में पाए गए हैं, कुछ उत्तराखंड हिमालय में पाया गया है. नेम्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दैट्स इट. आइए आगे बढ़ते हैं. तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया शायद लखनऊ में है, देख लीजिए हेडक्वार्टर्स. तो डेटाबेस निकाल लिया गया, अब IUCN को जमा कर दिया जाएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. प्रीलिम्स से आगे मेंस की तरफ. रोल ऑफ द न्यूज ऑफ दिस न्यूज, वैल्यू एडिशन फॉर द मेंस. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ओडिशा रिकॉर्ड्स 57 डेथ्स इन मैन जंबो एनकाउंटर्स इन 3 मंथ्स, 90 डेज में 57 डेथ्स. ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक फैक्ट आउट हियर. वैल्यू एडिशन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली ओडिशा, बस ये हेडिंग काफी है यहां पर और कुछ नहीं चाहिए यहां से. नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड अ प्लैनेट हल्ला, हाला जो भी कह लीजिए, दैट शुडंट एग्जिस्ट. व्हेन आवर सन रीचेस द एंड ऑफ इट्स लाइफ इट विल एक्सपैंड टू 100 टाइम्स इट्स करंट साइज एनवेलपिंग द अर्थ. एनवेलप कर लेगा, यस. ये देखिए छोटे छोटे न्यू स्नाइपेट्स पाए जाते हैं द हिंदू में, इसमें ये आज आया है. Astronomers have now discovered a planet survival after what should have been the demise at the hands of the sun. The Jupiter-like planet Halla orbits the red giant star Baikdu. ये देखिए Baikdu, ये sun है, star है, और यहां पे Halla है. Halla क्या है? Jupiter की तरह planet है.
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? जितना सन से अर्थ का डिस्टेंस है उसका आधा है, हाफ है। तो क्या ये कोलैप्स करना चाहिए था? यस, कोलैप्स कैसे नहीं किया ये तो मुझे भी नहीं पता है। यही यहां लिखा हुआ है, हल्ला हैज मैनेज टू परसिस्ट इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ अ जायंट स्टार दैट वुड हैव अदरवाइज एनगल्फ्ड इट। ये देखिए, यहां से प्रणम्स के लिए हल्ला बाइक डू, दैट्स इट। इज इट क्लियर? आइए हल्ला करते करते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मार्शियन गलीज मे हैव फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग वाटर आइस। ये देखिए गली फॉर्मेशन, क्या बात है, गली फॉर्मेशन क्या सॉयल एरोजन में आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिए, टेल मी द चैट बॉक्स। सॉयल एरोजन, गली फॉर्मेशन, गली रिल्स, गलीज, आगे चलकर दिस रवाइंस दैट इज बीहड़, आगे चलकर कैनियन एंड गॉर्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन ऑफ द रेड प्लैनेट्स पास्ट क्लाइमेट एंड एक्सेलेंट गलीज ऑब्जर्व ऑन मार्स सरफेस कुड हैव फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग वाटर आइस। वाटर को लेकर डिस्कवरी के लिए ऑब्सेशन है ह्यूमन बींग्स में, मार्स को लेकर छोड़ दीजिए, काफी है इतना, यहां से कुछ आएगा नहीं। नेक्स्ट न्यूज ये देखिए, ऑटो रिक्शा, ये देखिए पानी, उसमें स्कूटी, ये इंसान रोड क्रॉस करने की कोशिश, पीछे में कार, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, मुंबई की कंडीशन है ये। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूज देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा। क्राउड सोर्स डेटा हेल्प आइडेंटिफाई फ्लडेड एरियाज इंस्टेंटली। तो जैसे ही फ्लड आता है, अभी की तारीख में कोई डिजास्टर आ गया, ये देखिए फ्लड आया या कोई डिजास्टर आया, अर्थक्वेक आया मान लीजिए, तुरंत या तो सोशल मीडिया आपसे खुद ही पूछेगा क्या आप सेफ हैं, हाँ या ना, तो आप कहते हैं मैं सेफ हूँ। कोई जिंदा नहीं रहेगा तो कैसे बोलेगा मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, ठीक है? तो सेफ हैं तो मालूम चलता है, अच्छा अच्छा इस जगह पर सब कोई सेफ है। पांच छह लोग उसी रीजन के, मान लीजिए रीजन का नाम है ए रीजन है कोई, ठीक है, रीजन ऑफ एनी सिटी, यहाँ सेफ है सब कोई यहाँ। इसका मतलब है कि दो चार लोगों ने यहाँ से ट्वीट किया या फेसबुक पर आए हैं, दैट मीन्स दिस एरिया इज सेफर। तो ये तो फेसबुक पूछ रहा है आपसे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान खुद ही बारिश में पानी में डूबे हुए यहां तक ट्वीट कर रहे हैं, पानी गले तक आ गया, सर के ऊपर जाने वाला है, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, पानी नहीं है फिर भी ट्वीट कर रहे हैं, पानी है फिर भी ट्वीट कर रहे हैं, जिंदा है फिर भी ट्वीट कर रहे हैं, मरने वाले हैं फिर भी ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर। ये देखिए होता है कि नहीं मुझे बताइए, क्या सोशल मीडिया खुद पूछता है या अगर नहीं पूछता है सोशल मीडिया, पूछता है सोशल मीडिया तो आप जवाब देते हैं, नहीं पूछता फिर भी आप बताते हैं कि मैं इस जगह पर था, ऐसा ऐसा हुआ। एग्रीड, रोल ऑफ सोशल मीडिया, दैट्स इट। अब यहां बोला गया जब क्राउड इस तरह का डेटा पुटअप करता है तो हम लोग रियल टाइम, ये देखिए क्या बात है, रियल टाइम मैपिंग हो जाता है कि कौन से एरियाज फ्लडेड हैं, ये देखिए, और कौन से एरियाज सेफ हैं। इससे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। डू यू एग्री? टेल मी स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अस, हेल्पिंग द मैनेजमेंट, हेल्पिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्पिंग द प्रशासन टू हैव बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स बिकॉज ऑफ योर ट्वीट्स और बिकॉज ऑफ योर आंसर्स टू द फेसबुक और अदर सोशल मीडिया क्वेश्चंस। And that makes it very, very important. So note कर लीजिए students, यहां पर ये बहुत important point है यहां पर. Is it clear? इसे कहां जोड़िएगा? Social media का importance. Social media is being helped in is helping disaster management. Also, database governance. देखिए crowdsource data, क्या बात है? Data सेंट्रिक गवर्नेंस, डू यू एग्री? टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए गवर्नेंस, ये देखिए
चलिए आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। ये वैल्यू एडिशन केवल न्यूज था, बस इतना ही काफी है। यहां से देखिए, ये देखिए यहां लिखा हुआ है न्यूज, ये देखिए डिटेल देखिए दिया हुआ है। A network of 60 automatic weather stations in Mumbai provide rainfall data but do not provide any information on water logging or flooding. Water logging or flooding का information crowd sourcing से आता है, ये देखिए crowd का data, very important. तो बारिश कितनी हुई ये तो बता रहा है techniques and this new machines, new technologies, yet crowd is helping in better management. Flooded कहां पर है, water logging कहां पर है, ये देखिए। सो दैट वॉज इट स्टूडेंट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। लेदर बैक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी टर्टल मेक्स अ रेयर अपीयरेंस इन विशाखापट्टनम्स थनथडी बीच। थनथडी बीच कहां पर है, विशाखापट्टनम में है, मार्क कर लीजिए प्रीलिम्स क्वेश्चन। थनथडी बीच कहां पर है, विशाखापट्टनम। एंड सेकेंड न्यूज स्टूडेंट्स आउट हियर, लेदर बैक सी टर्टल Is it the fourth largest after the three crocodiles, the reptile upon earth? Tell me students, leatherback sea turtle, world ka sabse bada sea turtle hai and fourth largest reptile hai after the three types of crocodile, magarmach, aapne suna hoga, fourth largest reptile, ye dekhiye. Leatherback ka matlab hi hota hai, iska jo covering hai, wo tough nahi hai, hard nahi hai, leather ki tarah hai, that's it. तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, थनथडी बीच, लेदर बैक सी टर्टल, दैट्स इट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी टर्टल, ये देखिए। ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का क्या फ्लैगशिप स्पीसीज है, यस, लेट्स प्रोसीड अहेड, नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नेंस। गवर्नेंस में वाटर को लेकर, ये देखिए पानी, पॉन्ड में पानी, अगल बगल जमीन, ये इंसान पानी लेकर घर की तरफ कूच करता हुआ, गोइंग टुवर्ड्स होम, यू कैन सी इट हियर। नाम है मिशन का, जल जीवन मिशन, हर घर जल 2024 तक, अप्रैल 2024 तक हर घर जल प्रोवाइड करने का मिशन था 2019 के प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में आया था। लेट्स सी दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, ये देखिए हर घर जल, जल जीवन मिशन, दिस वॉज द मिशन, ये देखिए जल जीवन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। First, piped water supply to all rural households by 2024 will converge with other central and state government schemes. Integrated demand and supply side management of water at the local level. Creation of local infrastructure for rainwater harvesting, groundwater recharge and management of household wastewater for reuse in agriculture. Pura federalism mein cooperative federalism ka istemal karte ho. Ye dekhiye, classical example hai. Central, state and local bodies and हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन देखिए यहां पर। लेट्स सी द न्यूज, कहा जा रहा है कि ये हर घर जल नहीं पहुंच पाएगा हर घर। ओनली 3 out of 4 रूरल हाउस होल्ड आर लाइकली टू हैव ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शन बाई 2024। वर्क हैज नॉट इवन बिगन इन 5% ऑफ द होम्स। 75% कवरेज हो पाएगा 2024 तक, 25% कवरेज नहीं हो पाएगा। कौन कौन से स्टेट्स में कवरेज नहीं हो पाएगा, यूपी, बिहार, क्या बात है, झारखंड, क्या बात है, ये देखिए पढ़ लिया जाए। लाइव मिनट में भी यही देखिए न्यूज आया था आज से 3-4 दिन पहले, उसने स्टेट्स का भी नाम दिया था, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है, हर घर जल अलोंग विद उत्तर प्रदेश, यहां लिखा हुआ यूपी, ये देखिए। Is it clear? तो क्यों नहीं कवरेज हो पाया, अरे भाई क्यों नहीं कवर हो पाया ये सारे स्टेट्स, क्या
इनके पीछे क्या रीजन था इसमें लिखा हुआ डिटेल में स्टूडेंट्स, लेट्स रीजंस फॉर देयर लेट मींस फिनिशिंग अप. ये देखिए, फर्स्ट लेट स्टार्ट, जो लेट स्टार्ट करेगा वो लेट फिनिश करेगा. सेकंड स्टूडेंट्स ये देखिए, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये ऐसा बोलेगा सर उससे इस पर क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं. देखा जाए स्टूडेंट्स क्या बात है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट गवर्नेंस के ऊपर, वाटर गवर्नेंस. ये देखिए, आइए देखा जाए क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी. डिस्पाइट द स्कीम हैविंग बीन अनाउंस बाय पीएम नरेंद्र मोदी फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2019, अ टाइम व्हेन ओनली 16% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैड टैप वाटर, ऑफिशियल्स से दैट अ स्लू ऑफ चैलेंजेस सच एज कोविड-19, यस कोविड-19 ऑल्सो तीसरा चैलेंज. ये देखिए, नहीं तो खत्म हो जाता ये टारगेट अचीव हो जाता है. देखिए, अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर, लैक ऑफ मैन पावर क्वालिफाइड, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर इस काम के लिए. एंड रशिया यूक्रेन वॉर, इस रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा है देखा जाए. While the pandemic led to delays, Ukraine war resulted in major shortage of steel and cement, which are critical to the manufacture of and connection of metal pipes. Kya baat hai, steel and cement. Ye dekhiye, steel and cement ki kami kha gayi is program ko. Ye dekhiye, kya likh lijiyega students, mujhe bataiye. Russia Ukraine conflict par kuch bhi aaya mains mein, is par bhi impact dikhana hai aapko. Is it clear? Let's proceed. तो जल जीवन मिशन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. कहा गया कि ये इसका ऑडिट कैसे हो रहा है भाई, कैसे पता कि सारे घरों में हो रहा है, जल पहुंच रहा है. इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, वी अपलोड व्हाट द स्टेट्स टेल अस ऑन द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स कवर्ड, देयर आर हाउएवर टू मैकेनिज्म्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑडिट. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ऑडिट पर देखिए वैल्यू एडिशन मिल गया, क्या बात है. We have an independent audit agency that conducts a survey by preparing a representative sample and interviewing respondents on whether the installed water connection are actually delivering water to the satisfaction or not. Independent audit. Ye dekhiye. There is also a panel of national wash, water sanitation and hygiene experts who appraise a section of villages on the quality of services provided. Very important. Wash experts. Independent audit. Wash experts. स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऐसे बोलते हैं सबको घर में सबको पानी दे दिया, कहा कि आपके घर में पानी है, हाँ पानी कनेक्शन मिल गया है. पूछा जा रहा है गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके घर में पानी है, नहीं नहीं है. जब आपके घर पानी नहीं पहुंचा तो बाकी घर में कैसे पानी पहुंचेगा. इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड पैनल वॉश पैनल का ये ऑडिट डुअल चेक इसे कहते हैं, डबल चेक ऑडिट. ये देखिए, आप रहे सर इस न्यूज को ये इस चीज को कहां अटैच करेंगे, रख लीजिए कहीं ना कहीं अटैच करने का मौका लगेगा गवर्नेंस में, मैं बता दूं आपको. इज दिस क्लियर टॉपिक स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं. इंडियन ड्रग मेकर्स अंडर द लेंस, बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज इरप्ट की है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में. लास्ट ईयर कहां कहां पर यह कॉन्ट्रोवर्सी आई थी देखा जाए, पहले गाम्बिया. ये देखिए, गाम्बिया क्या अफ्रीका में है, उसके बाद उज्बेकिस्तान, यस, उसके बाद नाइजीरिया अभी रिसेंटली, उसके बाद कैमरून रिसेंटली, उसके बाद श्रीलंका. ये देखिए, श्रीलंका ने तो मना कर दिया, ठीक है. आप बोलिएगा कि सर क्या लिखा हुआ है इस, ये आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर है द हिंदू में आज, क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, दैट एक कभी एक ऑफिसर ने ये भी कहा था कि ये इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इमेज खराब करने का एक रोल है वेस्टर्न मीडिया का. तो कहने का मतलब ये पांच ही देश क्यों और वही कंपनीज क्यों जिनका नाम खराब शुरुआत से था. मैं एक एग्जांपल साइट कर रहा हूँ, सोचने की बात है ना, मुझे बताइए. ये वही बात हो गई कि मार्क्स कम मिल रहे हैं आंसर राइटिंग में, तो यूपीएससी का तरीका ही गलत है आंसर चेक करने का, दिक्कत की बात है ना ये.
आप दोष नहीं देख, आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, आप दोष दे रहे हैं दूसरे को। देखिए यहां कुछ लिखा हुआ है, इंडिया के अंदर भी सप्लाई चेन में दिक्कतें पाई गई। देखिए बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण 84 चिल्ड्रन हैव डाइड इन इंडिया एटलीस्ट। ये देखिए इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, और देखिए यहां पर जिस जब ये सब, जब ये सब मामला उखड़ रहा था, मोजाम्बिक एक कंट्री है, उसने कहा कि हम इंडिया से कोई भी दवा नहीं मंगाएंगे जब तक कि उसका क्वालिटी चेक नहीं होगा, और क्वालिटी चेक के लिए कंट्रोल लैब्स को दिया गया पावर। देखिए कंट्रोल लैब्स थर्ड पार्टी है, ये क्वालिटी चेक करता है अपने यहां। इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो पाई गई हैं इसमें फ्रॉड करते हुए पकड़ी गई हैं, दे डोंट हैव इवन अ इंफ्रास्ट्रक्चर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द बैच सैंपल्स ऑफ द ड्रग्स। इज दिस अ बिग बिग मिस्टेक? टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। सो इट वॉज डिस्कवर्ड, अब ये मोजाम्बिक बोल रहा है, कंट्रोल लैब्स मुंबई में बेस्ड एक कंपनी है, आप चेक करके भेजो ड्रग्स, आप कागज पर लिख के भेजो सब चेक किया कि नहीं। और ये कंट्रोल लैब देखिए QUNTROL, इन्होंने चेक किया एजिथ्रोमाइसिन ड्रग 500 mg, उसके अंदर 20 mg पाया गया एजिथ्रोमाइसिन। क्या बात है, देखिए ये वही हो गया कि बिस्तरी का बोतल ओपन किए तो नीचे मिला एक बूंद पानी, पूरा बोतल खाली। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है, 500 की जगह 20 mg। क्या ये चिंता की बात है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज राइट नाउ एट द क्रॉस रोड्स फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, वन ऑफ द चैलेंजेस क्वालिटी चेक्स नीडेड एट प्रेजेंट। देखिए सवाल ये है कि फार्मा कंपनीज पनिश क्यों नहीं हो पा रही है इसके बाद भी, आइए देखते हैं क्या होता है। मियरली सस्पेंडिंग और कैंसलिंग द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ फार्मा कंपनी इज नॉट इनफ, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस मे लीड टू ओनर्स टू स्टार्ट द सेम बिजनेस बट इन अ डिफरेंट नेम, दिस इज नॉट इनफ, बट वी रेयरली हियर अबाउट क्रिमिनल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर्स अंडर लॉ। कंपनी बंद हो जाती है, नया कंपनी खुलता है, फिर से वही काम, वही कंसेप्ट, वही फ्रॉड। आइए देखा जाए क्या लिखा हुआ है अंडर द, अब देखिए गवर्नेंस का एक टॉपिक है, क्या क्या कानून, व्हाट आर द रूल्स विच डिटरमिन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, मैन्युफैक्चरर्स नॉट एडहरिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कैन बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इवन व्हेन प्रोसिक्यूशंस आर फाइल्ड द केसेस मूव एट अ स्नेल्स पेस इन द कोर्ट। For example, Thakur and Reddy note that in Andhra Pradesh, of the 54 judgments in cases filed against pharma companies between 1999 and 2017, the state was able to secure convictions in only 8 cases. Ye dekhiye, poor conviction rate, delays in convictions, improper laws, ye sab reasons hain. Aur dekhiye. It does not help the Central Drug Standards Control Organization is perennially reeling under a shortage of drug inspectors. Kya baat hai? Drug inspectors ki kami kya baat hai students? Aayi likha jaye kya kya kamiyan hai? Shortage of drug inspectors. Yes. Second point. Poor implementation of the existent laws. Third point, poor conviction rate. Fourth point, this cases, pending, pendency of cases. Pendency of cases, ये देखिए ये तो governance के side से shortcoming हो गया, company के side से numerous shortcomings. कौन कौन सी shortcomings? Lack of infrastructure, lack of audit, lack of quality checks. Yes. अब मोजाम्बिक ने उस कंपनी कंट्रोल लैब्स को दिया है चेक क्वालिटी का, बाकी किसी ने दिया नहीं है, ऐसी दवाई चल रही है, दैट्स इट। आइए और आगे देखा जाए क्या लिखा हुआ, इसीलिए सस्ती दवाइयां बहुत दिक्कत में है स्टूडेंट्स,
मालूम चला सस्ती दवाई लेकर आ गए, सस्ती दवाई अगर लेकर आए किसी खराब ब्रांड की, ऊपर का रास्ता दिखा देगा ये सस्ती दवाई, बहुत दिक्कत की बात है जिस पर क्वालिटी चेक नहीं है। और एक सबसे बड़ी समस्या गवर्नेंस में है, आइए देखते हैं क्या है, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गवर्नेंस इन दिस फील्ड। ये देखिए, टू मिनट्स, यस, अंडर इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी लॉ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपोर्ट्स एंड अप्रूविंग न्यू ड्रग्स बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा, बट द लाइसेंसिंग एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ फार्मा कंपनीज लाइज इन द स्टेट गवर्नमेंट। ये देखिए, लाइसेंस और प्रोसिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्या ये चिंता की बात है मुझे बता दीजिए। सेंटर ये कर रहा है, स्टेट ये कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, और ये देखिए दिक्कत। तो एक सवाल तो यहां बनता है स्टूडेंट्स, बनता है नहीं बनता है मुझे बताइए। एक सवाल बनता है ना, व्हाट आर द shortcomings या what are the lacunas in the governance in the governance of pharmaceutical companies and drug manufacturing companies, बस lacuna governance के साइड से, जिस कंपनी के साइड से आपको लिखना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी लैक्यूना हमारे अंदर भी, हम आम इंसान, हमें क्वालिटी नहीं चाहिए होता, हमें सस्ती चीज़ें चाहिए होती है, और वो चिंता की बात होती है स्टूडेंट्स। क्वालिटी एश्योरेंस नहीं चाहिए होता, ये चिंता की बात होती है। तो अलग अलग तरीके से तीन कमियां यहां पे दिख गई सामने स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक चाइना। ये देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है एंड इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक है। इससे पहले छोटे न्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, रशियन वॉरशिप स्पॉटेड नियर ओकिनावा आइलैंड्स एंड ताइवान, जापान ने कहा। जापान ने कहा कि रशिया का शिप यहां भी आ गया, चिंता की बात है। ओकिनावा आइलैंड्स कहां पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ओकिनावा जापान के नीचे, सेनकाकू आइलैंड से यहीं पर है। इज इट कंटेस्टेड बिटवीन ताइवान, चाइना एंड जापान, ये 2022 प्रीलिम्स पेपर, ये देखिए प्रीलिम्स, सेनकाकू आइलैंड्स डिस्प्यूट, ये देखिए पढ़ाया गया था मेरी तरफ से आपको। तो ओकिनावा जापान को बिलोंग करता है, ये देखिए ओकिनावा के लोगों के बारे में कहा भी जाता है कि वहां पर कोई सी वीड पाया जाता है, सी वीट, यस, घास फूस समुद्र के अंदर, जिसको खाकर 130-135 साल की उम्र जीते हैं वहाँ के लोग। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, ओकिनावा आइलैंड्स के आगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है लोकेशन। 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक लीव्स 10 विद इंजरीज इन जावा, जावा में, योग्याकर्ता प्रोविंस एंड जावा प्रोविंस, ये देखिए। तो योग्याकर्ता देखिए कहां पर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये प्रोविंस, देखिए जावा आइलैंड पर। जावा आइलैंड कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, फटाफट लिखिए इन द चैट बॉक्स। तो जावा आइलैंड, मदुरा आइलैंड, बाली आइलैंड, लोम्बोक आइलैंड, ये सब बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स इंडोनेशिया को, अभी नोट कर लीजिए, लोम्बोक, बाली, जावा, बाली, लोम्बोक, और उस जावा के ऊपर में मदुरा आइलैंड, ये देखिए, दैट्स इट। प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन मैपिंग में देख लीजिए, नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में देखिए, रवांडन्स आर प्रिजनर्स इन देयर ओन कंट्री सेज दिस पर्सन। तो ये देखिए, दिस गवर्नमेंट के क्रिटिक रहे हैं एक पर्सन, ये पॉल रुशे बैगीना, हु बिकेम एन इंटरनेशनल रिनोन्ड फॉर हिज एफर्ट्स टू सेव पीपल ड्यूरिंग 1994 जीनोसाइड। रवांडा में जीनोसाइड हुआ था, बहुत आया था न्यूज में स्टूडेंट्स, ये देखिए जीनोसाइड क्या है, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, प्लैंड मास मर्डर रवांडा, जहां पर मेजॉरिटी हूतू पॉपुलेशन ने तुत्सी पॉपुलेशन माइनॉरिटी को मारने की कोशिश की है। देखिए, इट इज एस्टिमेटेड दैट सम 2 लाख हूतू स्पर्ड ऑन बाय प्रोपेगेंडा फ्रॉम वेरियस मीडिया आउटलेट्स पार्टिसिपेटेड इन द जीनोसाइड, मोर देन 8 लाख सिविलियंस वर किल्ड, 8 लाख लोगों को मार दिया गया एक 100 डेज में
Tutsi population ko, Tutsi are minorities in Rwanda, Hutus are majority in Rwanda. Ye dekhi. Rwandan genocide, bahut famous hai students. Main bata dun aapko. Isi par movie bhi aayi hui hai. Ye dekhi. Hotel Rwanda. आइए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स. हॉलीवुड की मूवी है. देखिए रवांडा कहाँ पर है, अफ्रीका में. देखिए यहाँ पर लेक विक्टोरिया के बगल में, ये देखिए युगांडा के नीचे रवांडा, रवांडा के नीचे बुरुंडी, बुरुंडी और रवांडा के वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और कॉन्गो के ऊपर यूपीएससी की नज़र 2023 के प्रीलिम्स में, और कोबाल्ट पे सवाल और कॉन्गो बेसिन पे सवाल. ये देखिए क्लियर है. डज इक्वेटर कट अक्रॉस रवांडा, लेट मी नो द चैट बॉक्स और नॉट, मुझे बता दीजिए. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. आईआर में लास्ट टॉपिक चाइना का लेकर. चाइना, चाइना ने नया कानून बनाया, न्यू लॉ ऑन फॉरेन रिलेशंस. लेट्स सी इंपैक्ट्स ऑन इंडिया, सवाल आ जाएगा. China's National People Congress, the Communist Party controlled legislature, adopted a new law on foreign relations of the People Republic of China, which came into effect on July 1st. The law will tighten President Xi Jinping's control over foreign policy. ये इंसान तो stronghold बनाता जा रहा है अपना. ये देखिए. What is the new law? The law involves foreign affairs, and as the very first article puts it, it was drafted to safeguard China's sovereignty, national security and development interest. ये देखिए लिखा हुआ है कि ये सब कुछ जो हो रहा है चाइना के लिए हो रहा है. जी जिनपिंग कह रहे हैं कि चाइना के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, मेरे हाथ में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. ये ऑटोक्रेसी का बहाना देखें यहां पर. एंड द लॉ स्पेसिफिकली मेंशन सेवरल की इनिशिएटिव्स चैंपियन बाय मिस्टर जी जिनपिंग, सच एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. ये देखिए आपका होमवर्क है GDI एंड GSI पर 2 पॉइंट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा. The law says China has the right to take as called for measures to counter or take restrictive measures against acts that endanger its sovereignty, national security and development. Power मिल गया अब China को लिखित कि अगर China को लगता है कि कुछ दिक्कत है उसके border पर, उसकी sovereignty को, तो वो कुछ भी कर सकता है. इसका मतलब है Galwan clashes को legalize करने का China का ये तरीका था. ये देखिए यहाँ पर कि घुस के जो जिस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब किया गया चाइना की तरफ से, उसको ये लीगलाइज कर रहा है जी जिनपिंग. देखिए ऑल्सो इट्स रिटन दैट द स्टेट शैल टेक मेजर्स एज नेसेसरी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज सिटीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ओवरसीज. ह्यूआवे कॉन्ट्रोवर्सी कनाडा, याद कीजिए वहां पर अरेस्ट किया गया था ना ह्यूआवे के चीफ को. तो ये देखिए उस चीज पे भी इसमें डिस्कशन किया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी कुछ स्टेप लेंगे. ये चाइना कह रहा है, देखिए फॉरेन सॉइल पर. चाइनीज ऑफिशियल्स हैव सेड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वाज अ लीगल रिस्पांस टू वेस्टर्न सैंक्शंस एम्ड एट चाइना. जितने सैंक्शंस वेस्ट ने इंपोज किए हैं उसी के खिलाफ ये सब चाइना कर रहा है. इसका असर क्या पड़ेगा इंडिया के ऊपर, सवाल यही है. तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, और एक नया बॉर्डर लॉ भी पास किया गया रिसेंटली. तो क्या क्या किया गया देखिए यहां पर. जी जिनपिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये पहला स्टेप. सेकेंड, न्यू बॉर्डर लॉ. थर्ड, लीगलाइजिंग चाइनाज एक्शंस ऑन बॉर्डर. फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज पर्संस ऑन फॉरेन सॉइल. एंड फिफ्थ पॉइंट, सोवरेनिटी इज द की वर्ड आउट हियर ऑन द बेसिस ऑफ इस चाइना. चाइना इज गोइंग टू पुट अप न्यू क्लैशेस, ये देखिए, अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शंस. वेस्टर्न सैंक्शंस ये बहाना है सोवरेनिटी का. देखिए इंडिया पे कोई असर पड़ेगा, मुझे बताइए. चाइना पहले भी न्यूज में रहा है, करेक्ट निमिषा, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को लेकर. ठीक है,
तो सवाल यही है कि क्या इंडिया पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए इंडिया पे असर, देखिए यहाँ पर इंडिया पे असर पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा आप खुद गेस करके बताइए मुझे। पहला असर, बॉर्डर क्लैशेस माइट इंक्रीज, डू यू एग्री? टेल मी, क्लैशेस माइट इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट, साउथ एशिया माइट बिकम मोर फ्रजाइल एंड फ्रजाइल एंड फुल ऑफ दिस क्लैशेस एंड क्लैशेस। थर्ड पॉइंट, इंडियन ओशन रीजन चाइनीज शिप्स माइट इंक्रीज, माइट इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड वॉरफेयर ऑफ चाइना माइट इंक्रीज विथ इंडिया। एग्री करना है मुझे बताइए। एंड फिफ्थ पॉइंट, इंडिया माइट हैव टू डू अवे विद इट्स नॉन अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट, प्रेशर ओवर इंडिया टू लीव इट्स नॉन अलाइनमेंट। आप बोलिएगा कि सर अभी भी तो अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट लीव कर दिया इंडिया ने। नहीं, लीव नहीं किया, अभी भी कहां लीव किया है। तो सवाल ये साफ साफ है स्टूडेंट्स, एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ चाइनाज रीसेंट नेशनल पॉलिसी ऑन फॉरेन रिलेशंस ऑन इंडिया एंड इंडियाज नेबरहुड। ये देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव माइट इंक्रीज इन इंडियाज नेबरहुड। ये देखिए BRI, ये देखिए। क्लियर है मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ। इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक ले लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट टॉपिक ले लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का। 25 चार टू डेथ हैज बस कैचेस फायर ऑन नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देखिए समृद्धि एक्सप्रेसवे पर, ये देखिए बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सीडेंट हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर समृद्धि महामार्ग 25 चार टू डेथ रोड एक्सीडेंट्स आर देयर बिग डिजास्टर टेल मी स्टूडेंट्स। डिजास्टर्स में अभी काउंट नहीं होते हैं, डिजास्टर्स में काउंट करने पड़ेंगे। इंडिया रैंक वन पर है रोड एक्सीडेंट्स में। देखिए रोड एक्सीडेंट्स अलग अलग वजह से होता है, बिहेवियरल रीजंस और इंजीनियरिंग रीजंस। ये देखिए तो रोड्स में कंस्ट्रक्शन को भी लेकर फॉल्ट्स एंड बिहेवियर को भी लेकर फॉल्ट्स, चलाने वाले को लेकर। ये देखिए बहुत दिक्कत है इंडिया में, गाड़ी चलाना सबसे टफ काम है। आप कहिए सर गाड़ी चलाना टफ क्यों है? सबको भीड़ मची रहती है और जल्दबाजी रहती है पहुंचने की, लेकिन पहुंच के करता क्या इंसान मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इट्स लाइक रनिंग, जैसे सिग्नल 2 सेकंड बाकी है, 1 सेकंड बाकी है, ग्रीन खत्म हो गया, फिर भी बाइक लेकर 80 km/h पर, कार लेकर 100 km/h पर और सिग्नल क्रॉस करके फोन उठाकर बातचीत। सोचिए वही इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स भी है। रोड बन रहा है, 1 महीने के अंदर ध्वस्त, खलास, खत्म, रोड खत्म वहीं पर। ब्यूटिफिकेशन तो मस्त हो रहा है, अगल बगल पेड़, ब्रिजेस दोनों तरफ, पेंटिंग ब्रिजेस के ऊपर, और सड़क धंस जा रही है, चिंता की बात है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये डिवाइडर को स्ट्राइक करके बहुत चिंता की बात है। प्राइवेट स्लीपर कोच 25-26 लोगों की डेथ हो गई है, बहुत दुखद ये एक्सीडेंट देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, सुबह रात का समय था। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स। ही देखिए एड में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हो रहा है, इसे डार्क पैटर्न नाम दिया गया है। इसका मतलब क्या है मैं बता दूं आपको, कस्टमर के बेनिफिट के लिए नहीं भी होगा तो उसको बेच दिया जाएगा उस चीज को, बता कर कि आपके बेनिफिट का है। क्या ये चिंता की बात है मुझे बताइए? नहीं मुझे बताइए स्टूडेंट्स, मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूं ये डार्क पैटर्न्स का। देखिए इसी पर आज कोविड के समय से संसार चला, मैं बता दूं
एक लेबर का जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है एक इंसान, उसका एक इंटरव्यू लिया था किसी ने जाकर मीडिया में, उसे एक फेमस एडटेक कंपनी ने अपना सब्सक्रिप्शन बेच दिया फोन कर करके, परेशान किए हुए हैं, एक फोन, दो फोन, तीन फोन, चार फोन, वो कह रहा है कि मैं मैनुअल में काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पर, मेरी तनख्वाह ही है 15-17 हज़ार रुपये, मैं कहाँ से फिलअप करूँगा 40 हज़ार रुपये, फिर भी फोन पे फोन। उसने कहा मेरा बच्चा स्कूल, अच्छे स्कूल में नहीं जा रहा है, मैं कहाँ से ले लूँगा ऑनलाइन टैबलेट और पढ़ा दूंगा उसे, फिर भी फोन पर फोन। बेच ही दिया गया उसको प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन, लोन दिलवाकर थर्ड पार्टी से, क्योंकि बेचने की होड़ लगी थी। यही हो रहा है आज के जमाने में। अ थिंग माइट नॉट बी यूजफुल टू यू बट दे आर फोकसिंग ओवर योर इंपल्सिव बाइंग, दे आर डायरेक्टिंग योर चॉइसेस। आई होप यू एग्री विद मी, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स, मुझे बता दीजिए क्या डिफरेंट कंपनीज ये कर रही हैं, गेटिंग इट। तो देख लीजिए यहां पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एड पे ही पूरा चला, देखिए सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स क्रिएटिंग फॉल्स अर्जेंसी, फॉल्स अर्जेंसी। अब भी हाथ धो लीजिए इससे, हमारे यहां के प्रोडक्ट या सोप से, नहीं तो कोविड हो ही जाएगा। अर्जेंसी देखिए, नैगिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आप जब भी न्यूज सेशन देखने आ रहे हैं, आईएएस नॉलेज मंथ पर नीचे से आ जा रहा है कुछ, देखिए आ रहा है ना, मुझे बताइए, अभी ज्वाइन कर लो, अभी खरीद लो। आप बोल रहे न्यूज देखने आए थे यार, ऐड ही देखते रह जाएंगे क्या जीवन में ही, देखिए। इससे डार्क पैटर्न्स डिस्टॉर्ट कंज्यूमर ऑटोनॉमी यूजिंग अ डिजाइन आर्किटेक्चर, इट्स इंपैक्टिंग आर्टिकल 19(1)(a), डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स। ही देखिए एडवर्टाइजमेंट्स फॉल्स, देख लीजिए पॉलिटिक्स का भी टॉपिक, इकोनॉमी का भी टॉपिक, और कितनी जगह पे पता है क्या होता है, 500 के ऊपर खरीदिए चॉकलेट फ्री में। आपने कहा कि चॉकलेट मैंने देखा ही नहीं था, कभी कभी घर पे अभी आ गया, आपने कहा ये मैंने मांगा ही नहीं था। तो वही बात हो गई कि गए हैं सुपरमार्केट में खरीदने के लिए, खुला नहीं है तो दो चॉकलेट दे दिया 2 रुपये का, गेटिंग द पॉइंट। इसे कहते हैं डार्क पैटर्न्स। नॉर्म्स आने जरूरी हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड एड में ही चल रहा है, ऑथेंटिक लोग ना आगे आ पा रहे हैं ना आगे आ पाएंगे अगर यही चलता रहा तो। फ्रॉड लोग आगे से पूरा कैप्चर किए हुए हैं एड कैंपेन पर पैसा खर्च करके, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स। डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली कस्टमर बिहेवियर को, ये देखिए, और आपका पॉकेट का पैसा भी जा रहा है, मैं बता दूं, ठीक है, गेटिंग इट। उसके पहले देखिए यहां पर 25 CHAR 2 DATS, उसके पहले देखिए रवांडा जीनोसाइड, उसके पहले स्टूडेंट्स जावा में योग्यकर्ता में अर्थक्वेक, उसके पहले ओकिनावा आइलैंड्स, उसके पहले चाइना का फॉरेन पॉलिसी और इंडिया पे असर, उसके पहले स्टूडेंट्स फार्मा कंपनीज, उसके पहले हर घर जल, उसके पहले लेदर बैग सी टर्टल, उसके पहले स्टूडेंट्स फ्लड डेटा क्राउड सोर्स्ड, उसके पहले मेंस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, उसके पहले स्टूडेंट्स डेटाबेस, और उसके पहले माइक्रो सर्कुलेशन, कोविड रिकॉर्ड पेशेंट्स, एनसेलाडस एंड रिमेनिंग टॉपिक्स। कोई किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, मैं बता दूं, अब बोलेगा सर आप अभी सब्सक्रिप्शन के खिलाफ में जा रहे थे और फिर से आप सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। देखिए भाई प्रारंभ.live पर सब्सक्रिप्शन आपको मैं बता दूं, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू डोंट वांट टू टेक द होल कोर्स, डोंट टेक इट। यू वांट टू टेक अ पर्टिकुलर चैप्टर, यू कैन परचेज इट एट 99 रुपीज शार्प। अभी जाकर आप सक्षम मेंटरशिप में जाकर देखिएगा, आप डाउन टू अर्थ मैगजीन का 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं केवल 1 महीने का। डेमोक्रेसी इज इन आवर कंट्री, चॉइस इज योर्स, दैट्स इट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड इन पार्लियामेंट, व्हाई शुड यू परचेज इट?
मानो जना पार्लियामेंट प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं, लक्ष्मीकांत से भी, डीडी बसु से भी, और उसके बाद ब्रजकिशोर शर्मा से भी नोट्स भी दे लिया है, पढ़ लिया है, रख लिया है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी बड़े टेक कंपनी का, और उसका सब्सक्रिप्शन लेते ही जो बंदा पार्लियामेंट बढ़ा रहा है उसे आपसे कम पता है, कितना सर पीट लीजिएगा आप उस समय, मुझे बताइए, लगेगा माथा ही फोड़ दे कहीं जाकर। नहीं, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है उसमें आप प्रोसीड कीजिए, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है यू टेक द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। एक वीडियो आज जारी हो जाएगा जो बताएगा प्रारंभ.live पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है, वेब पेज पे भी अवेलेबल है, क्लासेस में बता दूं 9988 7354 9988 7358। देखिए ये मोबाइल नंबर्स हैं, 7038899438 पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा PDF, देख लीजिएगा इस सेशन का। सक्षम मेंटरशिप कोर्स देखिए गूगल प्ले पर उपलब्ध है प्रारंभ, ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर, दैट्स इट। तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, यस यस, गुड इवनिंग, कल मिलते हैं कल के सेशन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द सेशन। अच्छा लगा सेशन मुझे बताइए, दो चार मेन से क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स, चाइना वाला क्वेश्चन हो गया पक्के से, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में रवांडा जिनोसाइड का ये पॉइंट आ गया, ड्रग मेकर्स को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है वो आ गया, यस, सो दीज क्वेश्चंस माइट कम अप इन द मेंस दिस ईयर। नमस्कार, जय हिंद, समाप्त, सेवा, घोषणा करता हूँ मैं, टेक केयर।